काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसको कि DRDO और BARC यानी भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने साथ मिलकर बनाया है। काली का फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर होता है और इसका नाम हिंदू गॉडेस माँ काली के ऊपर रखा गया है जो कि विनाश की देवी है। काली को डायरेक्ट एनर्जी वेपन के तौर पर डेवलप किया गया था, लेकिन ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी लेजर वेपन टाइप के मटेरियल का यूज नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिक बीम का इतना पावरफुल पल्स जनरेट करता है जिससे कि टारगेट का ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज हो जाता है और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। काली एक भारत का सीक्रेट वेपन है क्योंकि इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। काली अपने काबिलियत से न सिर्फ मिसाइल, ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि स्पेस और दूसरे सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। काली को सबसे पहले 0.4 गीगावाट कैपेसिटी पर बनाया गया था और फिर धीरे धीरे काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000 को भी डेवलप किया गया। काली को वेपन के तौर पर पहचान सन 2012 में मिली जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कयारी सेक्टर में एक बहुत ही खतरनाक बर्फीला तूफान आया था और वहाँ पर एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान की आर्मी का बेस कैंप तबाह हो गया था और इन सब के पीछे काली का ही हाथ था, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। और इस मिशन का नाम था मिशन व्हाइट वॉश। और अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे पास काली जैसी शक्तिशाली वेपन सच में है? तो इसके बारे में साल 2018 में पार्लियामेंट में भारत सरकार से पूछा गया। तब उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया और उनके इस जवाब से ये तो साफ हो जाता है कि काली कोई अफवाह नहीं है बल्कि ये सच में एग्जिस्ट करता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह के वीडियोस के लिए द ट्रू इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।